शहर में पिछले दिनों से भूमाफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके चलते ही आपराधिक प्रवृत्ति के लिस्टेड बदमाश नाना यादव पर पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी। उसी के तारतम्य में आज उज्जैन भोपाल बाईपास मार्ग पर बदमाश का फार्म हाउस, जो भाजपा सरकार के दौरान बनाया गया था, उसका नक्शा तक पास नहीं हुआ था, उसे प्रशासनिक अमले ने जमींदोज कर दिया है। कार्रवाई के दौरान देवास नगर निगम के पूर्व महापौर सुभाष शर्मा फार्म हाउस पर कागज लेकर आए और नगर निगम और प्रशासन पर आरोप लगाने लगे कि प्रशासन ने भेदभावपूर्ण यह कार्रवाई की है। स्ट्रक्चर का जो अवैध बना हुआ था, उसमें नगर निगम की टीम आई और उन्होंने पुलिस सहयोग मांगा, उनकी कुछ मशीनरी और उनकी टीम आके इसका अवैध निर्माण जो है नाना बाजी है, उनका फार्म हाउस है और उसको डिमोलिश करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, क्या बताया जा रहा है, क्या जानकारी मिली थी इसके संबंध में? मुझे यही जानकारी है कि वो कुछ अवैध गतिविधियों में संलग्न रहते थे, उनके अवैध कारोबार है, तो जैसे शासन की मंशा है कि जितने भी अवैध गतिविधियों में संलग्न माफियाज हैं उन पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उनकी अवैध जितनी भी इकट्ठी की हुई संपत्ति है या उनने जो कब्जा किया है उस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनके खिलाफ़, तो नगर निगम की तरह ये कार्रवाई की जा रही है। पार्षद है बाबू यादव जी, वार्ड नंबर 33 से, उनका मुझे पता चला कि उनको उठा के थाने में बंद कर दिया है, और दूसरा ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी वैधानिक कार्रवाई इसमें की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में आता है, ग्रामीण क्षेत्र में 90% किसानों के खेत पे मकान बने हुए हैं जिसकी विधिवत अनुमति नहीं है, और उसी को बात को बताने के लिए मैं आया था। दूसरा, इन्होंने कोर्ट का 7 दिन का हाईकोर्ट का स्टे था, उसके बावजूद 3 दिन ऊपर हो गए, और 3 दिन ऊपर में इन्होंने नोटिस दिया जो कल 5 तारीख को पूरे हो रहे हैं, उसके एक दिन पहले तोड़ के कार्रवाई कर दी। आपके मान पक्षपात हो रहा है, निश्चित हो रहा है, और टारगेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं।